हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलस क्या था, रिस्पॉन्ड क्या था, मूवमेंट क्या था, लोकोमोशन क्या था, और हम लोग ने ये भी देखा कि मेन कॉज ऑफ लोकोमोशन क्या था, मूवमेंट ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन। मूवमेंट अगर लोकोमोटरी ऑर्गन का हो रहा था तो हम लोग उसे बोल रहे थे कि वो लोकोमोशन कॉज करेगा। तो ये सब चीज हम लोग ने जान चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज जानेंगे वो है क्या कि किस तरह से प्लांट्स में रिस्पॉन्ड होता है, प्लांट्स में किस तरह से स्टिमुलस आएगा और प्लांट्स में किस तरह से रिस्पॉन्ड क्रिएट होगा। तो इसके लिए हमें दो प्लांट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को इंडियन टेलीग्राफ, जिसे हम लोग कहते हैं डेस्मोडियम गाइडेंस, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है मिमोसा पोदिका, जिसका नाम है टचमिनॉट या फिर लज्जावती भी जिसे कहते हैं, टचमिनॉट या फिर लज्जावती। इसका प्लांट का नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम अगर पूछे क्या है तो वो है मिमोसा पोदिका। तो इन दोनों प्लांट में किस तरह से सेंसिटिविटी होता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड क्रिएट होता है, किस तरह से ये ड्रूप मतलब बंद हो जाते हैं, किस तरह से खुल जाते हैं, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले कुछ कुछ पार्ट है जिसे हमें लेबल करना होगा। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है लीफ, ये पार्ट है लीफ। नेक्स्ट अगर बात करें ये चीज की तो ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट को हम बोलते हैं पल्विनस, इसे हम कहते हैं पल्विनस। अगर ये बात करें लीफ का, ये जो बेस है लीफ का, बेस को हम लोग बोलते हैं लीफ स्टॉक, इसे हम कहेंगे लीफ स्टॉक। अगर बात करें इस चीज की फिर से ये क्या है, ये थैलेमस भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे बोल सकते हैं पेडिसेल। ये सारे पार्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, सारे पार्ट्स के नेम। और अगर बात करें ये क्या है, तो ये है लीफ बेस। ओके, तो बहुत सारे टाइम्स पे हम लोग को यहाँ पे दो जगह पे मूवमेंट देखने को मिलती है, पहला होता है थैलेमस या फिर पेडिसेल में और दूसरा पल्विनस में। तो ये दोनों जगह पर ही मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किस तरह से मूवमेंट होता है और इसका कॉज क्या है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पेडिसेल है या फिर जो थैलेमस है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे भी सेल्स पाए जाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे मोटर सेल्स। ये सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मोटर सेल्स। ये छोटे छोटे सेल्स जो पेडिसेल के अंदर पाए जा रहे हैं इसे हम कहेंगे मोटर सेल्स। जैसे ही समझ लीजिए, अगर ये प्लांट है डेस्मोडियम गाइडेंस का, डेस्मोडियम गाइडेंस का, तो ये हमेशा सनलाइट सेंसिटिव होता है। डेस्मोडियम गाइडेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेस्मोडियम गाइडेंस किस चीज से सेंसिटिव है, मिमोसा पोदिका किस चीज से सेंसिटिव है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्ड क्रिएट तो दोनों में ही होता है, लेकिन डेस्मोडियम गाइडेंस में रिस्पॉन्ड क्रिएट होने का रीजन क्या है, कॉज क्या है, सनलाइट। लेकिन मिमोसा पोदिका में ये चीज का रिस्पॉन्ड होने का कॉज क्या है, टच। तो टच अगर होगा मिमोसा पुदिका में तो ये रिस्पॉन्ड क्रिएट होगा, डिस्मोडियम गाइडेंस में अगर सनलाइट का कम बेसी होने पर ये रिस्पॉन्ड क्रिएट होगा। तो हम लोग देखेंगे पहले रिस्पॉन्ड जो क्रिएट होता है वो होता कैसे है। समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई सनलाइट पड़ रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा पेडिसेल जो कभी कभी पल्विनस का काम भी कर सकता है। अगर नेक्स्ट बात करें ऊपर में, ये क्या है हमारा, ये है हमारा लीफ। अगर इसकी बात करें ये क्या है, ये है लीफ बेस, और ये पेडिसेल या फिर पल्विनस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मोटर सेल्स, जिनका नाम है मोटर
सेंस। मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे सनरेज पड़ रही है, तो हमें क्या पता चला कि अगर सनरेज पड़ रही है, सनलाइट पड़ रहा है पेड़ के ऊपर, अगर बहुत सारा सनलाइट है, समझ लो दिन का टाइम है, इनफ सनलाइट पड़ रहा है, तो सनलाइट पड़ने से क्या होगा, जितने सनलाइट पड़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होंगे। ये रूट्स का काम क्या होगा, ये क्या है रूट्स, देखिए अगर यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा बहुत ज्यादा, दिन का टाइम होगा, तो ये बार बार क्या करेगा, इसे पानी की बॉडी में एक तरह का कमी महसूस होगा। जैसे हम क्या, हमें क्या होता है, जब भी गर्मी का टाइम होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्यास लगता है, सेम उसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करें तो जितना ज्यादा सनलाइट पड़ेगा उतना ज्यादा इसे भी प्यास लगेगा, और ये क्या करेगा, अपने रूट्स के थ्रू बहुत ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही सनलाइट के ज्यादा पड़ने की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया रूट्स के थ्रू, ये वाटर सारा का सारा ऊपर जाएगा और सारा स्टोर कर लेगा कहाँ पर, यहाँ पर इसके पेडिसल में, वाटर यहाँ से सारा ऊपर जाएगा और सारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, किसके अंदर, मोटर सेल्स के अंदर, मोटर सेल्स के अंदर सारा वाटर स्टोर हो जाएगा। अगर बात करें इस साइड पे, तो इस साइड में बहुत सारे मोटर सेल्स होंगे और यहाँ पर भी सारे के सारा पानी स्टोर होगा ऐसे करके। तो मेनली हो क्या रहा है यहाँ पर, कि जैसे हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है गर्मी के टाइम पे, उसी तरह से प्लांट को भी बहुत ज्यादा प्यास लगता है, और उस टाइम में वो क्या करता है, बहुत ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन करता है यहाँ से रूट से, और वो ज्यादा सारा पानी जाता है कहाँ पर, उसके पेडिसल में जो मोटर सेल्स है वहां पे जाकर स्टोर हो जाता है। वहां पे पानी स्टोर होने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेस पानी हो जाने की वजह से क्या होता है, ये पानी में जो मोटर सेल्स है पानी भर गए, अब ये मोटर सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मोटर सेल्स का साइज बड़ा होगा, ये एक तरह का, ये पेडिसल के सरफेस पे एक तरह का फोर्स लगाएगा, एक तरह का प्रेशर लगाएगा। ये प्रेशर जो लगाया, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वॉल प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हुआ, वैसे ही मोटर सेल्स में ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी भर गया, पानी के भरने से मोटर सेल का साइज बड़ा हुआ, मोटर सेल का साइज जैसे ही बड़ा हुआ, वो वॉल के ऊपर, वो ये पेडिसल के सरफेस के ऊपर एक तरह का प्रेशर जनरेट किया, ये प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वॉल प्रेशर कौन जनरेट करता है, वॉल प्रेशर जनरेट करता है मोटर सेल्स। अगर हम बात करें, अगर ये इसके ऊपर एक तरह का प्रेशर लगाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि इसका सरफेस भी अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा। अगर एरिया को सेम मान लिया जाए, तो हम लोग को क्या पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेम उसी तरह से अगर हम बोले कि अगर जो जितना प्रेशर ही इसके ऊपर सरफेस के ऊपर लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वॉल प्रेशर, फिर यहाँ ये सरफेस भी एक तरह का प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे टर्गर प्रेशर, जिसे हम लोग कहेंगे टर्गर प्रेशर। यहाँ पे पूरा रोल टर्गर प्रेशर का ही है। टर्गर प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, हमें क्या पता चला, जितना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया, पानी के ऊपर आने की वजह से मोटर सेल से बहुत ज्यादा पानी भर गए, मोटर सेल से पानी भरने की वजह से वहां एक प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, प्रेशर ज्यादा जनरेट होने की वजह से वो बाहर के सरफेस से पेडिसल पे एक तरह का प्रेशर लगाया, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर लगने से उसके ऑपोजिट में एक और प्रेशर वो सरफेस मोटर सेल्स पे लगाते हैं अंदर की तरफ, जिस प्रेशर को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। ये जो टर्गर प्रेशर है, ये कॉज करता है ये प्लांट का मूवमेंट को। तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये मूवमेंट जो हो रहा है उसका कॉज क्या है, तो ये टर्गर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो प्लांट खुला होगा, अगर टर्गर प्रेशर कम हो गया तो ये प्लांट बंद हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, दिन के टाइम में पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, ये बहुत ज्यादा खुला हुआ है, मोटर सेल से पानी भर गया, मोटर सेल ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगा, जिसे हम लोग कहेंगे वॉल प्रेशर। बाहर का सरफेस फिर अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, जिसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। पानी के ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और उस टाइम में प्लांट क्या होता है, दिन के टाइम में खुला होता है। रात के टाइम पे क्या होगा, जब सनलाइट नहीं पड़ेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, सारे के सारे पानी रूट्स में ही रहेंगे, पानी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। पानी अगर ऊपर तक नहीं पहुंचा तो मोटर सेल से पानी नहीं जाएंगे, मोटर सेल से पानी स्टोर नहीं होगा, तो कोई प्रेशर वो वॉल पे नहीं लगाएगा, और ना ही कोई वॉल तब टर्गर प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रेशर का जनरेट रात के टाइम पे नहीं होता है, और फिर उस टाइम क्या होता है, ये प्लांट क्या होता है, ड्रूप हो जाता है। प्लांट ड्रूप होने का मतलब क्या होगा, प्लांट झुक जाता है, ऐसे करके प्लांट बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है प्लांट। और दिन के टाइम पे इनफ सनलाइट होने की वजह से, बहुत गर्मी होने की वजह से, उसे पानी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, टर्गर प्रेशर बहुत हाई होता है, और प्लांट खुला रहता है।
लेकिन रात के टाइम पे यही चीज एकदम ऑपोजिट हो जाती है, वहां पे सनलाइट नहीं होता बिल्कुल भी, गर्मी नहीं होती, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से पानी स्टोर नहीं होगा, टर्नर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और जब तक टर्नर प्रेशर जनरेट नहीं होगा तब तक वहां पे कभी भी प्लांट खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए दिन के टाइम में ये प्लांट खुला रहता है, रात के टाइम पे ये प्लांट बंद हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डेस्मोडियम वाइलेंस। इस प्लांट का नाम अगर बोले कौन सा प्लांट है ये, तो डेस्मोडियम वाइलेंस। ये डेस्मोडियम वाइलेंस का साइंटिफिक नेम की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टेलीग्राफ प्लांट इंडियन। इसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट इंडिया में डिस्कवर की गई थी। तो इस तरह से मूवमेंट देखा जाता है डेस्मोडियम गाइडेंस में। सेम चीज 100% सेम चीज होता है टच मी नॉट मिमोसा पुदीका में भी, बट डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे कॉज था सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट होने की वजह से टर्नर प्रेशर जनरेट हो रहा था और प्लांट खुला हुआ था। एब्सेंस में सनलाइट के वहां पे कोई भी टर्नर प्रेशर जनरेट नहीं हुआ, प्लांट क्लोज हो गया। लेकिन अगर ये सेम चीज को देखना है हमें टच में नॉट मिमोसा पुदीका या फिर लज्जावती प्लांट में, तो वहां पे ये कॉज सनलाइट नहीं होगा, वहां पे कॉज होगा टच। टच मतलब वहां पे जो स्टिमुलस का काम करेगा, यहाँ पे सनलाइट था, वहां पे स्टिमुलस का काम टच करेगा। अगर हम उस प्लांट को टच करते हैं तो वहां पे प्रेशर जनरेट होगा, वहां पे ट्रिगर प्रेशर आएगा, ट्रिगर प्रेशर आने की वजह से वहां पे प्लांट खुला रहेगा। अगर उसे टच नहीं करेंगे, टच करने की वजह से ट्रिगर प्रेशर उसका कम हो जाता है और वो प्लांट क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे टच नहीं करते हैं, नॉर्मली वो प्लांट जैसे ग्रो किया वैसे ही है, तो उसमें हमेशा टर्नर प्रेशर हाई रहेगा और वो प्लांट हमेशा खुला रहेगा। लेकिन अगर उसे कोई आकर टच कर लेता है बाहर से, टच करने की वजह से वहां पे एक स्टिमुलस जनरेट हुआ, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपना तुरंत सारा का सारा पानी टर्नर प्रेशर से कम कर देगा। जितना पानी उसके अंदर था मोटर सेल्स में, सारे पानी को वो बाहर निकाल देता है पल्पिनस के थ्रू। सारे पानी जैसे ही बाहर आ जाते हैं वहां का टर्नर प्रेशर कम हो जाता है और वहां का प्लांट ड्रूप हो जाता है। ड्रूप होना मतलब प्लांट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, टच की वजह से। तो मिमोसा पुदीका में कॉज क्या है, टच, और डेस्मोडियम वाइलेंस में कॉज क्या है, सनलाइट। एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जिसे डेस्मोडियम गाइडेंस भी कहते हैं, दे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द कर्वेचर कॉज्ड बाय द रिवर्सिबल चेंज इन द टर्नर प्रेशर व्हिच इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। मतलब बार बार यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि कभी वो खुल रहा है कभी वो बंद हो रहा है, और वो किसकी वजह से रहा है, चेंज इन टर्नर प्रेशर, रिवर्सिबल चेंज इन टर्नर प्रेशर की वजह से हो रहा है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। ड्यू टू वेरिएशन इन द टर्नर प्रेशर द लीव्स मूव अप एंड डाउन। जैसे जैसे टर्नर प्रेशर वेरी करता है वैसे वैसे लीव्स अप ऊपर और नीचे मूव करता है रिदिमिकली, एज इफ द प्लांट इज डांसिंग और सेंडिंग आउट टेलीग्राफ मैसेजेस। द लीव्स ऑफ द प्लांट विल डांस ओनली व्हेन देयर इज सनलाइट टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब वो डांस कब करेगा, वो खुलेगा कब प्लांट, जब वहां पे मैक्सिमम सोलर एनर्जी रहेगा। वहां पे कॉज क्या होना चाहिए, सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी है तो उसके पास टर्नर प्रेशर हाई होगा, प्लांट डांस करेगा, खुला हुआ दिखेगा। अगर ये नहीं होगा, एब्सेंट होगा सनलाइट, तो वहां पे प्लांट सिंपली क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इन द इवनिंग द लीव्स ड्रूप डाउन। इवनिंग के टाइम में सनलाइट नहीं मिलेगा, प्लांट का टर्नर प्रेशर कम होगा और वो सिंपली ड्रूप हो जाएगा। और अगर मिमोसा पुदीका की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। बोथ द प्लांट्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव व्हेन द लीफलेट्स ऑफ द मिमोसा पुदीका इज टच्ड। इसको जैसे ही टच करते हैं, यहाँ पे कॉज क्या है, टच, वहां पे कॉज क्या था, सनलाइट, दे ड्रूप डाउन। दिस इज कॉमनली नोन एज द सीस्मोनास्टिक मूवमेंट। अगर किसी चीज में वेरिएशन हो रहा है किसी के टच करने की वजह से, उस तरह के वेरिएशन की वजह से होने वाले मूवमेंट को हम लोग कहेंगे सीस्मोनास्टिक मूवमेंट। सीस्मोनास्टिक मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वेरिएशन की वजह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो जो वेरिएशन का कॉज हुआ है, अगर वो टच हुआ, टच की वजह से वो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे सीस्मोनास्टिक मूवमेंट। इनफैक्ट बिलो द लीफ स्टॉक देयर इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं पल्पिनस। जहां पे टर्नर प्रेशर ज्यादा और कम हो रहा है वो जगह कौन सी है, वो जगह है पल्पिनस। इन द पल्पिनस देयर आर हाईली सेंसिटिव मोटर सेल्स, टच कॉजेस अ वाइब्रेशन व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स ऊज आउट ऑफ द पल्पिनस इनटू दिस इंटरसेलुलर स्पेस रिजल्टिंग इन द डिक्रीज द टर्नर प्रेशर।
तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग प्लांट को, मिमोसा पुदीका के प्लांट को टच करते हैं, वहां के पल्विनस पे जो मोटर सेल्स प्रेजेंट है वो हाईली सेंसिटिव है। वो उनको पता चल गया कि हमको कोई टच किया है, वो तुरंत अपने सारे पानी को रिलीज कर दिए मोटर सेल्स, और सारे पानी रिलीज होने के बाद पल्विनस से सारा पानी नीचे की तरफ चला गया रूट्स में वापस से। सारे पानी जैसे ही नीचे चले गए, टर्नर प्रेशर कम हुआ और प्लांट्स क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये सिंपल सा था हमारा मूवमेंट देखा गया। किस पे पहला मूवमेंट देखा गया? प्लांट मिमोसा पुदीका में, जिसे हम लोग टच में नॉट कहते हैं। यहाँ पे कॉज क्या था? टच। और इस टच को हम लोग बोलते हैं, टच की वजह से होने वाले मूवमेंट को क्या बोल रहे थे? सीस्मोनास्टिक मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट देखा गया हमारे डिस्मोडियम गायरम, जिसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहते हैं। इसमें जो मूवमेंट देखा जा रहा है, इसका कॉज क्या है? सनलाइट। तो ये दो तरह का मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने क्या इन्वेंशन किया था, क्या उनकी डिस्कवरी थी, और इसके लिए आप लोग देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर जरूर। थैंक यू।